कि नेता बड़े हैं, वो यूनिवर्सिटी बना दी, इसलिए उन्हें ये सजा मिल रही है। आप काम कर मत करिए बीजेपी की तरह, आप काम मत करिए, बस नफरत फैलाइए। जहां आपको जाति की नफरत मिल जाए वहां फैलाइए, धर्म की नफरत फैल जाए धर्म की फैलाइए। तो मुझे तो ये भी लगता है कि कहीं धर्म के कारण उनके साथ इतना अन्याय ना हो रहा हो। देख रही हैं एसपीएन 9 न्यूज़। एसपीएन 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 2019 के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में दोषी ठहरा दिया है और 7 साल की सजा उनको यहाँ सुना दी गई है। इसी बीच आपको बता दें कि अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो पोस्ट किया और साथ ही साथ लिखा कि माननीय आजम खान जी और उनके परिवार को निशाना बनाकर समाज के एक पूरे हिस्से को डराने का जो खेल खेला जा रहा है, जनता वो देख भी रही है और समझ भी रही है। कुछ स्वार्थी लोग नहीं चाहते हैं कि शिक्षा तालीम को बढ़ावा देने वाले लोग समाज में सक्रिय रहें। इस सियासी साजिश के खिलाफ इंसाफ के कई दरवाजे खुले हैं। जुल्म करने वाले याद रखें, नाइंसाफी के खिलाफ एक अदालत आवाम की भी होती है। उधर बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि आजम खान ने सत्ता के रसूख में कानून को अपने बूटों तले रोंदा है। पाप का एक घड़ा एक न एक दिन जरूर फूटता है और भरता भी है। आजम खान ने जो बोया था वही काट रहे हैं। उनकी सजा मिलने से सामान्य लोगों का कानून से भरोसा और मजबूत हुआ है। ये समाजवादी पार्टी के लिए करारा तमाचा है। सपा को अब आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का संरक्षण बंद करना चाहिए। बता दें कि अब्दुल्ला पर पहले जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट हासिल करने और विदेशी दौरी करने के साथ ही सरकारी उद्देश्य के लिए दूसरे प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगा है। तो यहाँ पर अखिलेश यादव ने जो वीडियो यहाँ पर ट्वीट किया और साथ ही साथ जो पोस्ट लिखी, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिएगा। आजम खान साहब के ऊपर लगातार इसी तरह का हमला हो रहा है और बड़ी साजिश की वजह से उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। बीजेपी के नेता और कुछ बाहर से लाए हुए अधिकारी उनके साथ साजिश पहले दिन से करते रहे, और ये बात हो सकता है मैं गलत कहूं, हो सकता है लोग मेरे पे टिप्पणी करें, लेकिन ये भी हो सकता है कि नेता बड़े हैं, वो यूनिवर्सिटी बना दी, इसलिए उन्हें ये सजा मिल रही है। आप काम कर मत करिए बीजेपी की तरह, आप काम मत करिए, बस नफरत फैलाइए। जहां आपको जाति की नफरत मिल जाए वहां फैलाइए, धर्म की नफरत फैल जाए धर्म की फैलाइए। तो मुझे तो ये भी लगता है कि कहीं धर्म के कारण उनके साथ इतना अन्याय ना हो रहा हो। और सबको यकीन है और सब जानते हैं उन पे इसीलिए अन्याय हो रहा है कि उन्हें यूनिवर्सिटी बना दी और उनका धर्म दूसरा है। ये वीडियो देखा, वीडियो देखकर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आखिरकार आजम खान को और उनकी पत्नी और उनके बेटे को जो 7 साल की सजा सुनाई है, क्या अखिलेश यादव यहां आजम खान को बचाते नजर आएंगे भविष्य में या नहीं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे मुद्दे पर। तब तक के लिए देखते रहिएगा एसपीएन 9 न्यूज़। धन्यवाद।